हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मित्सुबिशी पीएलसी के बारे में, कॉम्पैक्ट पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी के बारे में डिटेल में हमने पिछले वीडियो में देखा है। इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, कॉम्पैक्ट पीएलसी किस तरह से दिखाई देते हैं, मॉड्यूलर पीएलसी किस तरह से दिखाई देते हैं, ये सारी डिटेल हमने पिछले वीडियो में देखी है। आज के इस वीडियो में हम कॉम्पैक्ट पीएलसी को और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मित्सुबिशी पीएलसी में कॉम्पैक्ट पीएलसी के कौन कौन से मॉडल होते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला मॉडल जो कि सबसे पुराना मॉडल है वो है FX1N सीरीज़ का। उसके बाद FX1N सीरीज़ के पीएलसी होते हैं, FX2N, FX2N सीरीज़ के पीएलसी होते हैं, FX3G पीएलसी होते हैं और FX3U सीरीज़ के पीएलसी होते हैं। इसके बाद कॉम्पैक्ट पीएलसी में IQF सीरीज़ के भी पीएलसी होते हैं, जिसमें FX5U, FX5UC, FX5UJ और FX5S सीरीज़ के पीएलसी होते हैं। चलिए अब इनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे FX1S सीरीज़ के बारे में। यदि FX1S सीरीज़ में बात करें तो इसकी जो बेस यूनिट होती है वो 10 से 14 इनपुट आउटपुट तक होती है, ठीक है। यदि FX1S सीरीज़ पीएलसी की बात करें तो ये पीएलसी इस तरह से दिखाई देते हैं। इस पर ऊपर एक मेल सैक लिखा हुआ होता है, उसके बाद जो उसका मॉडल होता है FX1S10MR, तो ये इसका मॉडल हो गया और ये मित्सुबिशी का पीएलसी हो गया, ठीक है। FX1S सीरीज़ के पीएलसी के मॉडल्स की बात करें तो इसमें FX1S10MRDS पीएलसी होता है, FX1S10MRES/UL पीएलसी होता है, FX1S10MTDSS मॉडल का पीएलसी होता है, इसी तरह से FX1S10MTESS/UL ये मॉडल का भी पीएलसी होता है। अब यहाँ पर देखिए FX1S10 और इनमें है FX1S14, तो FX1S10 में भी चार पीएलसी हैं और FX1S14 में भी चार पीएलसी। अब इन चारों पीएलसी में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम FX1S10MRDS के बारे में समझेंगे, ठीक है। पीएलसी के अंदर दो तरह से स्विचिंग होती है, एक होती है रिले बेस और दूसरी होती है ट्रांजिस्टर बेस। तो ये जो MR है इसका मतलब होता है रिले बेस, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे MT, तो इस T का मतलब मिलेगा ट्रांजिस्टर। जो MR मॉडल होते हैं उनको हम हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो स्विचिंग का जो टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जो ट्रांजिस्टर बेस्ड PLC होते हैं उनका स्विचिंग टाइम अच्छा होता है, इसलिए उनको हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। FX1S में ये जो 10 है इसका मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो 10 नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट होते हैं। ये DS में D का मतलब होता है DC पावर सप्लाई, तो जो इसको पावर सप्लाई दी जाती है वो 24 वोल्ट DC दी जाती है, ठीक है। अब यदि इसमें इनपुट की बात करें कि सिर्फ इनपुट कितने हैं, तो इसमें 6 इनपुट हैं और इसमें 4 आउटपुट है, ठीक है। ये रिले बेस होता है, MR का मतलब रिले, तो ये रिले बेस है, ठीक है। पावर कंजप्शन की बात करें तो ये टोटल 6 वाट पावर कंजप्शन करता है और इसकी डायमेंशन इतनी होती है, ठीक है। अब देखते हैं FX1S10MRES/UL मॉडल के बारे में। देखिए 10 का मतलब 10 नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट है, यहाँ पर ई का मतलब होता है AC सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो 100 से लेकर 240 वोल्ट AC इसको इनपुट सप्लाई हम दे सकते हैं। इसमें 6 इनपुट और 4 आउटपुट होते हैं, ये भी रिले बेस होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मॉडल में MR लिखा हुआ है, ठीक है। पावर कंजप्शन की बात करें तो ये इसका पावर कंजप्शन 19 वाट का होता है, वेट इसका इतना होता है और इसकी जो साइज़ होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। अगले पीएलसी के बारे में देखते हैं FX1S10MTDSS। MT का मतलब ट्रांजिस्टर होता है, 10 का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट होते हैं वो 10 होते हैं, 24 वोल्ट DC होता है। यहाँ पर देखिए DSS का मतलब होता है DC सप्लाई, ठीक है। MT का मतलब ट्रांजिस्टर, तो ये 24 वोल्ट DC पर ऑपरेट होता है। इंटीग्रेटेड यदि इनपुट और आउटपुट की बात करें तो इनपुट इसमें 6 होते हैं और जो आउटपुट होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 24 वोल्ट DC है, इन PLC को ऑपरेट करने के लिए हमको अलग से पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो AC PLCs होते हैं उनके लिए हमको अलग से पावर सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम कहाँ और किस एप्लीकेशन के लिए किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं PLC को,
उसके अकॉर्डिंग हमको पीएलसी का मॉडल सिलेक्शन करना पड़ता है। यदि इसके आउटपुट की बात करें तो इसका ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट है, उसके बाद सोर्स सिंक एंड सोर्स आउटपुट होते हैं, तो ये सोर्स टाइप का आउटपुट देता है। डी एस का मतलब डीसी सप्लाई, एस का मतलब सोर्स, ठीक है। यहाँ पर 6 वाट इसका पावर टोटल कंजप्शन होता है, वेट इतना होता है। इसके डायमेंशन की बात करें तो 60 × 90 × 49 होती है, ठीक है ना। अब अगले पीएलसी के बारे में बात करते हैं, FX1S10। इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट होते हैं वो 10 होते हैं। 100 वोल्ट टू 240 वोल्ट एसी पर ये ऑपरेट हो जाता है ट्रांजिस्टर बेस से, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इनपुट 6 होते हैं और नंबर ऑफ आउटपुट की यदि बात करें तो वो 4 होते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप आउटपुट होता है इसका। पावर कंजप्शन इसका 19 वाट होता है, वेट इतना होता है और इसकी डायमेंशन इतनी होती है। अब देखिए हमको ये मेनली 4 PLC समझना है, यदि ये 4 समझ में आते हैं तो ये 4 भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। इन चारों में देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ये जो MRDS है ये रिले बेस है और DC सप्लाई है, ठीक है ना। ये MRES है ये रिले बेस है लेकिन AC सप्लाई है, ठीक है। MTDSS ये ट्रांजिस्टर बेस है लेकिन DC सप्लाई है, और MTESS ये ट्रांजिस्टर बेस है लेकिन AC सप्लाई है। तो हमारे पास FX1S सीरीज में ट्रांजिस्टर बेस PLC भी है और रिले बेस PLC भी है, ठीक है। ट्रांजिस्टर में AC सप्लाई और DC सप्लाई दोनों हैं, रिले में भी AC और DC सप्लाई दोनों है, ठीक है। इनपुट आउटपुट की यदि बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट में 6 और 4 होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ये नेक्स्ट PLC है FX1S14 MRDS, ये सेम FX1S10 MRDS से मिलता जुलता है, बस इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट है उनकी संख्या बढ़ जाती है। मतलब टोटल 14 इनपुट एंड आउटपुट होते हैं 24 वोल्ट DC, 8 इसमें इनपुट होते हैं और इसमें 6 आउटपुट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो 6 इनपुट और 4 आउटपुट थे, 2 इनपुट बढ़ गए हैं और 2 आउटपुट बढ़ गए, ठीक है। इसी तरह से FX1S14 MRES/UL जो PLC होता है वो AC सप्लाई होता है और रिले बेस होता है, 8 और 6 इसमें इनपुट और आउटपुट होते हैं, ठीक है। FX1S14 MTDSS जो PLC होता है उसमें टोटल 14 इनपुट एंड आउटपुट होते हैं, 24 वोल्ट DC, 8 इनपुट 6 आउटपुट, और ये होता है ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप, ठीक है। पावर कंजप्शन इसका इतना होता है। FX1S40 MTESS UL में जो होते हैं टोटल 14 इनपुट आउटपुट होते हैं, 100 से 240 वोल्ट AC पर ऑपरेट होता है, 8 इनपुट और 6 आउटपुट होते हैं, ये ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप PLC होता है। अब देख लेते हैं FX1S सीरीज की अगली PLC के बारे में। तो FX1S में FX1S20 FX1S30 PLC भी होते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम MRDS MRES/UL MRDSS मतलब DC सप्लाई, ESS मतलब AC सप्लाई, ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल। जो FX1S 20 और 30 के PLC होते हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं, मतलब जो FX1S 10 और 14 के PLC होते हैं उससे थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब साइज़ में बड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो 20 इसमें नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट 12 इनपुट एंड 8 आउटपुट होते हैं, ये रिले बेस होता है, ठीक है। FX1S20 MRES/UL के बारे में यदि देखोगे तो 100 से 240 वोल्ट AC पर ये ऑपरेट होता है, 12 इनपुट और 8 आउटपुट होते हैं, ये रिले बेस इनपुट। FX1S20 MTDSS की यदि बात करें तो 24 वोल्ट DC पर ऑपरेट होता है और ये ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप होता है, ठीक है। MTESS UL की यदि बात करें तो 100 से 240 वोल्ट AC पर ऑपरेट होता है और ये भी ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप होता है, ठीक। ये भी सेम है, सिर्फ इसमें नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट बढ़ जाते हैं, पावर कंजप्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है और डायमेंशन इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। FX1S30 MRDS, MR में R का मतलब रिले, DS का मतलब DC सप्लाई, ठीक है। तो ये 24 वोल्ट DC सप्लाई पर ऑपरेट होता है और टोटल FX1S30 का मतलब होता है 30 मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, 16 इनपुट और 14 आउटपुट इसमें होते हैं, ठीक है। इसी तरह से MRES/UL में रिले बेस होगा, AC सप्लाई वोल्टेज इसमें होगा, MT मतलब ये PLC ट्रांजिस्टर बेस है और DC सप्लाई पर ऑपरेट होता है और ये सोर्स टाइप होता है, ठीक है। MTESS/UL का मतलब होता है ये ट्रांजिस्टर बेस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट इसमें 30 है, 100 से 240 वोल्ट AC पर ये काम करता है और 16 इनपुट 14 आउटपुट होते हैं, ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप होता है। पावर कंजप्शन इसका 21 वाट होता है और इसका वेट 0.45 kg मतलब 450 ग्राम के आसपास में होता है और इसकी डायमेंशन इस तरह से होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ मित्सुबिशी PLC FX1S सीरीज, ठीक है। तो जो FX1S सीरीज के जो PLC होते हैं इनमें 10 से लेकर 30 तक इनपुट और आउटपुट के पॉइंट मिल जाते हैं।
और 10, 14, 20 और 30, इस तरह से चार मॉडल ये होते हैं और इन हर एक में चार चार मॉडल के पीएलसी होते हैं, ठीक है। FX1S सीरीज में हम रिले बेस और ट्रांजिस्टर बेस दोनों टाइप के पीएलसी यूज़ कर सकते हैं और एसी और डीसी सप्लाई दोनों में ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। स्पेशल फीचर्स की यदि बात करें तो ये इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई एसी और डीसी दोनों पावर्ड पर ये काम करते हैं। एसी और डीसी सप्लाई दोनों में अलग अलग मॉडल मिल जाते हैं, ठीक है। यदि इसके मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो टोटल 2000 स्टेप मतलब 2K स्टेप तक की इसकी मेमोरी कैपेसिटी होती है और हाई स्पीड ऑपरेशन होता है। जो ट्रांजिस्टर बेस्ड पीएलसी होते हैं वो हाई स्पीड ऑपरेशन पर भी काम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें रियल टाइम क्लॉक मतलब RTC का फंक्शन भी होता है। रियल टाइम क्लॉक का एक वीडियो मैंने डेल्टा पीएलसी में बनाया हुआ है, जो अभी एक्चुअल टाइम चल रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग भी हम पीएलसी में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी इस पीएलसी में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद यदि और स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इसमें LEDs भी दी होती है जो कि इनपुट और आउटपुट को इंडिकेट करती है, उनका स्टेटस बताती है। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो था FX1S सीरीज पीएलसी के बारे में और ये पीएलसी इस तरह से दिखाई देते हैं, इनमें किस किस तरह के फीचर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर बेस भी होते हैं, ये रिले बेस होते हैं, एसी और डीसी दोनों वोल्टेज में मिल जाते हैं। इनकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती है, इनका साइज़ क्या होता है, वेट क्या होता है, पावर कंजप्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने देखी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पीएलसी के बारे में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।